हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय व्लॉग। सो गाइस, आज हम आए हुए हैं डिज्नीलैंड। हमारे साथ शादाब भी आए हुए हैं। डिज्नीलैंड जो हमारे गया शहर में लगा है, गया कॉलेज के सामने खेल परिसर वही लगा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देख सकते हैं आप, ये रहा डिज्नीलैंड। सो चलते हैं अंदर और आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। तो हम अंदर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। मतलब कि ये जो एरिया है यहाँ पे, थोड़ा मतलब कि कुछ सामान वगैरह जो है, अगर आपको कुछ लेना है तो यहाँ पे मतलब कि सेल किया जा रहा है, देख सकते हैं। मतलब सदा पहले क्या किया जाए, पहले हम लग रहा है गन शूटिंग किया जाए। हाँ, ये भी ठीक है। गन शूटिंग मतलब कि बचपन में हम करते थे, मतलब कि उस टाइम उतना एम था नहीं हमारा, बट अब ट्राई करते हैं अभी कैसा है। अभी भी नहीं। तो गन मैंने अपने हाथ में ले लिया है, आप जरा एम लगाते हैं। सो मेरे को 6 राउंड मिलेगा, तो ट्राई करते हैं। चलिए, पहला राउंड मिस। चलिए, सो अब सेकंड राउंड ट्राई करते हैं। जरा एम लगाया अच्छे से। शराब बोली कौन सा, रेड येलो ब्लू? ब्लू 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 पे। चलिए, शराब बोल रहे ब्लू पे, तो ब्लू पे गया। जलवा है हमारा। अब शराब ट्राई करेंगे, शराब ऑरेंज पे। शराब जिंदगी का तो एम सही से आया नहीं, कम से कम कम से कम यही एम लगा। पहला मिस नहीं गया, फिर मिस था। लास्ट चांस, जिंदगी का आखिरी पड़ाव पे है कोई भी सदा। सो गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डिज्नीलैंड के बारे में। ये जो डिज्नीलैंड जो आया कहाँ से दीदी आया? देखिए, जो पहला जो डिज्नीलैंड जो है वो थीम पार्क जो है एनाहाइम, एक सिटी है कैलिफोर्निया में जो कि यूएसए में पड़ता है अमेरिका में। तो जो पहला एस्टैब्लिश किया गया था 20 जुलाई 1955 में एस्टैब्लिश किया गया था वॉल्ट डिज्नी कंपनी के द्वारा। वहीं से सारे लोग ने इंस्पायर होकर हर एक शहर में आपको देखने को मिलता है ये डिज्नीलैंड जो है पार्क है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जा रहे हैं अब जो नेक्स्ट राइड पे जो है वो बड़ा वाला झूला, आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे आ गए हैं, अब देखिए ये रहा जो बड़ा वाला झूला है और यहाँ से व्यू देखिए पूरा। तो आप कैसा लग रहा है बताएं? काफी देर सोचने के बाद फाइनल डिसीजन लिया कि चला जाए, फिगर बनाया जाए, मतलब ये खतरों खिलाड़ी वाला काम करना। वेरी डेंजरस। तो बैठ गए हैं हम, शादाब देख सकते हैं आप। शादाब कैसा लग रहा है भाई? अभी अभी ठीक है फिलहाल। सो फाइनली का स्टार्ट हो गया, बहुत डर लग रहा है। उतना नहीं लग रहा होगा? अभी नहीं लग रहा है, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। आगे आगे देखो। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, सही जिसे को ना बहुत गुड हो गया जी। अरे काफी डर लग रहा है, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, जाने लग रहा है। भाई साहब, उसे ले ले यार, रोक दे रोक दे भाई, उसे यहाँ से उसे लेके उतार दे यार। भाई लैंड करा दे बस भाई मेरे, तो 200 ज्यादा ले ले, लेकिन लैंड करा दे। सलाम का रिएक्शन, डिप्रेशन में अभी हैं, कोची में है, डिस्प्रेशन में सर अभी। सो हम आ चुके हैं, आप देख सकते हैं पीछे रहा वो जो बड़ा वाला झूला। सर आप कैसा लग रहा है आपको? अब थोड़ा आराम मिला पहले से। अरे मतलब कि मेरे को ना देखो सर घूम रहा है थोड़ा मोड़ा, मतलब कि वोमिटिंग टाइप लग रही है। बस हवा निकल गई, मतलब अंदर का जो बॉडी पार्ट है ना वो पूरा इधर उधर हो गया, फैल गया बहुत ज्यादा, मतलब कि बहुत डिस्टर्ब हो जाता है माइंड। फाइनली हम लोग आ गए, सेफ लैंडिंग हो गया, सेफ लैंडिंग हो गया। तो अब चलते हैं आगे बढ़ते। सो उस राइट पे से तो गाइस हम आ गए हैं, आप देख सकते हैं पूरी शॉप है, वहीं पे हम बैठे। भैया ने चेयर दिया है, मतलब कि बहुत अजीब लग रहा है इसलिए थोड़ा बैठ गए हैं। थोड़ा भेलपुरी भी जरा ट्राई कर लिया जाए। तो भेलपुरी को जो है ना बहुत सारे जगहों पे इसका अलग अलग नाम से बोला जाता है, खास करके बंगाल एरिया में इसे झालमुरी बोला जाता है, और जो कर्नाटका साइड में है उसे चुरुमुरी या तो चुरमुरी नाम से बोला जाता है। मतलब कि इसके अलग अलग नाम है। आप लोग को मैं इंटरेस्ट कराना चाहूँगा एक बच्चे से, देखिए कैसा लगा बाबू, बताइए। बोलिए कैसा लगा
बोलो ठीक ठीक लगा, बोलिए हेलो, बोलो ठीक। ये बाबू है, कैसा मजा आया घूम के? कौन सा राइड पे आप घूमे थे? जाइंट व्हील। कौन से? जाइंट व्हील। वो जाइंट व्हील पे, उस पे। तो अब कैसा लग रहा है सर? घूम रहा है, बहुत मजा आया। बच्चे ही लोग को डरने लग रहा है, हमी को बहुत डर लग रहा है, अभी तक सर घूम रहा है मेरा। अरे मुझे चक्कर आने लग गए। अब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा। बच्चे के साथ एंजॉय करना चाहिए, है ना। तो अब हम यहाँ पे आए हैं, थोड़ा मोड़ा यहाँ पे सामान अभी यहाँ पे सेल किया जा रहा है। मुझे ये स्पिनर दिख रहा है। मेरे को स्पिनर भी, मेरे को भी अच्छा लग रहा है। एक टाइम तो स्पिनर लोगों के बीच बहुत ट्रेंड चला था। हाँ, बहुत ज्यादा, बहुत ऐसा लग रहा है। रिकमेंड कर रहे डॉक्टर भी, उसको रिकमेंड कर रहे थे कि आप इसको यूज करें, है ना। हाँ, डॉक्टर से लोगों में रिकमेंड किया जा रहा है। वाह, कौन बनेगा डॉन? जॉन बनेगा डॉन। जॉन बनेगा डॉन, टिम्बा बाबू का साउथ अफ्रीका का कैप्टन। जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन, ये सपना है कि सच, मुझे बताएगा कौन। तो अब हमने थोड़ा लिया है चार मुड़िया के सकते हैं, उससे मेरा क्या फायदा? ये सब थोड़ा मोड़ा आपके लिए, हेल्थ के लिए भी सही है, टाइम पास भी है। हाँ, टाइम पास के लिए सही है। गिराना है और फिर कुछ प्राइजेस है यहाँ पे, लाइक इफ यू विन यू कैन विन दिस प्राइजेस, इट डिपेंड्स ऑन यू, व्हाट एवर यू वांट टू सिलेक्ट यू कैन। गाड़ी स्टार्ट कर, हम फर्स्ट। तो पहला ट्राई करते हैं, चलिए देखते हैं। हार्दिक पांड्या वाला मंत्र ले ले, योर कर दे, योर कर। चलिए, सो हार्दिक पांड्या वाला, अरे एक ग्लास बच गया। तो आप शराब ट्राई करने जा रहे हैं, का चांस शराब लगना लग जाएगा ना आराम से। कोई बात, कैसे कुछ कहना चाहेंगे? बहुत तकलीफ होता है कभी कभी, अब ये आप योग्य हो और आपकी योग्यता को नहीं समझे जाए। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। तो हम लोग यहाँ पे घूम रहे थे, सो कुछ बच्चे यहाँ पे मिले, आप देख सकते हैं, मतलब कि अभी नए नए सब्सक्राइबर बने हैं ये। सो बाबू कुछ कहना चाहते हो? वीडियो में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और तो कहाँ से आए हो आप लोग? रसलपुर से। अच्छा, रसलपुर से आए हैं बाबू लोग। सो मजा आया यहाँ घूम कर? हाँ। कुछ कहना चाहेंगे सारे जो लोग देख रहे हैं आपको, क्या कहना चाहेंगे? भैया को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए। बहुत बहुत बढ़िया, तो ठीक है बाबू, ठीक है, बाय। ओके गाइस, सो बस कुछ बच्चे थे मिल गए थे, हमें अच्छा लगा। ओके, सो आफ्टर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम हियर, नाउ इट्स नाउ द टाइम हैज कम टू लीव दिस प्लेस एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर होम। गाइस, इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करना चाहूंगा। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, जय हिंद एवरीवन। चलिए, और ये भैया जो चेयर दिया है, मतलब कि बहुत अजीब लग रहा है, थोड़ा बैठे।